नगरजनों, मैं गोपाल शेट्टी आपका सांसद, बैंक से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया, फिर उन्होंने सही समय पर अनलॉक भी किया, सारे कामकाज ठप पड़ गए, बैंकों का सारा कामकाज भी बंद पड़ गया और इसमें से हाथ दिलाने के लिए सरकार ने बैंकों को कुछ बहुत मदद भी किया, कुछ रूल्स में रेगुलेशंस में रिलैक्सेशन किए, मॉरेटाइम पीरियड उन्होंने बढ़ा दिया और ऐसे समय में किसी के भी पास से इंटरेस्ट या तो ईएमआई नहीं लेना चाहिए, इस प्रकार का एक गाइडलाइन ऑलरेडी आ चुका है। इसके बावजूद भी बैंक के ऑफिसर्स लोगों के घर पे जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, लोगों को हैरान कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं और ये सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय को संज्ञान में लिया है, उसका भी निर्देश बहुत ही जल्दी आएगा। सरकार की भी इच्छा है कि बीच का कोई ना कोई रास्ता निकले ताकि बैंकों को भी ज्यादा घाटा ना हो और जो बैंक होल्डर्स है जिन्होंने कर्ज लिया है उनको भी ज्यादा बोझ लोड उन पर ना आए और निश्चित सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई अच्छा रास्ता इसमें से निकालेगी। लेकिन उसके पहले बैंक के कुछ सो कॉल्ड ऑफिसर अपने बुद्धि का परिचय देते हुए जितना लोगों से पैसा निकाल सके उतना निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल चलेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा जिन्होंने पैसा भरा है उनको भी लाभ मिलना चाहिए, जिन्होंने नहीं भरा है उनको भी लाभ मिलना चाहिए। आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि 2007 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस प्रकार का एक रिट फाइल हुआ है, उसके ऊपर भी कोर्ट ने आदेश निर्देश दिया है कि बैंक ने ऐसे किसी भी एजेंट को किसी के भी घर पर भेजना नहीं चाहिए। इस बात को भी मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं। मैं बैंकों के अधिकारियों को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि आप अगर पहले अगर बहुत चौकन्ने होते तो विजय मल्ल्या जैसे बड़े कर्जदार, नीरव मोदी जैसे कर्जदार, मेहुल चौकसी जैसे और भी बहुत सारा लंबा यादी कांग्रेस के दिनों का मैं ले सकता हूं, ये भाग नहीं गए होते देश छोड़कर और देश का करोड़ों रुपया डूब नहीं गया होता जो आज आप छोटे छोटे लोगों के घर पे जा रहे। ये काम आपने बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन उन दिनों में तो आपने 5-स्टार होटलों में क्या क्या किया वो सारे देश के लोगों को पता है। मैं चाहूंगा कि बैंक के ऑफिसर मनमानी कारोबार ना करे, इस देश में एक लोकशाही पद्धति से चलने वाली मोदी जी की सरकार है, मोदी जी के आदेश और निर्देश का पालन करे। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश और निर्देश आएगा उसका हम सब लोग मिलकर पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।